उत्तर प्रदेश में एक ओर ठंड दस्तक दे रही है तो दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव भी नजदीक हैं। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इसके साथ साथ अन्य राजनीतिक दल भी पूरी तरीके से रणनीति बना चुके हैं, बिसातें बीत चुकी हैं और इंतजार सिर्फ तारीखों का है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा हैं, जो पेशे से एक चिकित्सक हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मेयर पद के लिए पूरी तरीके से दावेदारी भी ठोक रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका डेली इंसाइडर। नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला सवाल सर ये है कि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं और इसके साथ साथ नगर निकाय चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर और समाजवादी पार्टी के ऊपर दोनों जिम्मेदारियाँ हैं कि बीमारियों को भी अलग रखें और जो बीमारियाँ फैला रहे हैं उनको भी अलग ही रखा जाए और एक बेहतर और बेहतरीन तरीके की जो सुविधाएं हैं वो लखनऊ वासियों को मुहैया कराई जाए। क्या तैयारियां हैं आप लोगों की नगर निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि जब भी नगर निगम का चुनाव होता है या नगर निगम की एक कार्यकारिणी बनाई जाती है तो उसमें वहाँ की जो आबादी है उसको किस तरीके से अर्बन बॉडीज़ को हम लोग नया सुविधा नया समाज दे सकते हैं, इसका तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कुछ बड़े मुद्दे हैं, जैसे स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ख़ासकर कोविड के बाद से, कोरोना के बाद से स्वास्थ्य पे हम सब लोग ज़्यादा खर्च भी कर रहे हैं और ज़्यादा सचेत भी हैं, तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा जो लखनऊ वासियों के लिए है वो है शिक्षा, तीसरा है सुरक्षा और चौथा है स्वच्छता। मुझे लगता है कि इन चार मुद्दों को लेके समाजवादी पार्टी बहुत सचेत है और हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं और अपने लखनऊ वासियों को वो देना चाहते हैं जो पिछले 30 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई है, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे सुरक्षा और स्वच्छता। आप देख ही रहे हैं, स्मार्ट सिटी का नाम देना और अखबारों में ऐड देना और वास्तविकता होना वो एक अलग चीज़ होती है। अभी आपने कुछ मुद्दे गिनाए हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इन मुद्दों पर लगातार काम किया जा रहा है और जो स्मार्ट सिटी की आपने बात की है, कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी परियोजना में जब लखनऊ ऐड हुआ है तो लखनऊ लगातार तरक्की भी कर रहा है। देखिए, फिर मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है। वो जिस तरीके से इवेंट को मैनेजमेंट करती है, जिस तरीके से अखबार, टीवी पे ऐड, सोशल मीडिया पे ऐड, अगर वास्तविकता इतना है तो लोगों को दिखती क्यों नहीं है? स्वास्थ्य की बात, मैं पहले मुद्दे की बात करता हूँ। हमको दुख है इस बात को कहने पर कि विगत दो साल से कोरोना चल रहा था तो लखनऊ का नाम इस बात पर नहीं आया कि किसने ज़्यादा कोरोना बचाया, जबकि लखनऊ का नाम इस बात पे आया कि कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, कितने लोग तड़प तड़प के अस्पताल नहीं मिल पाया, लखनऊ का नाम इस पे आया। और मुझे बहुत दुख है कि उस समय सरकार सो रही थी और सरकार तब जागी जब तबाही हो चुकी थी। तो स्वास्थ्य के हालात क्या हैं और आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आप सब लोग इसको देखते हो और देख भी रहे हो कि पूरा लखनऊ डेंगू और चिकनगुनिया की वजह से परेशान है। और ये क्या है डेंगू और चिकनगुनिया? डेंगू और चिकनगुनिया कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये मच्छरों से जनित बीमारी है और मच्छर का मतलब कूड़ा, कूड़े का मतलब नगर निगम। और कहाँ पर हम हैं? लखनऊ में, इस देश की सबसे बड़े राज्य की सबसे प्रतिष्ठित जगह लखनऊ में ये हालत है। शिक्षाओं की हालत ये है कि जब हम लोग अपने समय पढ़ते थे, हम लोग जब पढ़ते थे तो IITs, MNRs, मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग होती थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की, लेकिन आज स्थिति क्या है? बच्चे डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और सुरक्षा मैं क्या बताऊं, आज ही की खबर है कि गरीब दंपतियों के घर में जो है घुस के लोग चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, रिटायर्ड IAS के वहाँ पर डकैती पड़ी हुई है, आप रात में महिलाएं निकल नहीं सकती। तो सिर्फ खाली आप बड़े बड़े प्रचार करके TV और अखबारों पर ऐड देख के आप नहीं कर सकते लखनऊ वालों को। लखनऊ वाले के दिल में आप समझिए, लखनऊ वाले के दिल में जो कटास है उसका हम लोग काम करने का काम समाजवादी पार्टी ज़मीनी स्तर पे करेगी। आशुतोष जी, पेशे से आप चिकित्सक हैं और आपकी बातों से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, बीमार है, क्या ये सही है? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन हमको ये समझ लें कि हम जब नई सदी में जा रहे हैं तो नई सदी में इस तरीके की बीमारियों से, ठीक है, कोरोना मैं मानता हूँ पूरे विश्व के लिए एक वैश्विक महामारी थी, डेंगू तो नहीं है, चिकनगुनिया तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, डायरिया तो नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि पूरा का पूरा प्रदेश की सारा कंसंट्रेशन जब ये बीमारियाँ आती हैं तो लखनऊ या अदर जो अर्बन बॉडीज़ है वहाँ कंसंट्रेट हो जा सकता है।
तो मुझे लगता है कि वहाँ पे सरकार काम नहीं कर रही है। एक बार बीमारियाँ हो गई उसके बाद तो उनकी जिम्मेदारी है, मजबूरी है करना। मुझे लगता है कि आप प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कीजिए, आप पहले से तैयारी कीजिए जिससे हमारे लखनऊ के 30 लाख की आबादी को ये कष्ट न झेलना पड़े। आशुतोष जी, वर्तमान में अगर देखा जाए तो महापौर के रूप में संयुक्ता भाटिया जी अपना कार्यकाल समाप्त करने की ओर हैं, चुनाव चूँकि नज़दीक है। अब अगर आपको पार्टी मौका देती है, जनता आपके साथ रहती है, तो वो कौन से कार्य हैं जो आप द्वारा किए जाएंगे और जो आपको लगता है कि अभी तक उस पर काम ही नहीं हो पाया है? नहीं देखिए, मैंने फिर कहा कि किसने क्या काम किया उसकी कार्यशैली अलग होती है। उससे पहले मुझे पार्टी अगर मौका देती है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। मैं यहीं से पला बड़ा हूँ, यहीं से पढ़ाई की, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आए। देश विदेश घूमने के बाद जब मुझे समझ में आया कि उत्तर प्रदेश और अपने लोगों के लिए काम करना है तो मैं यहाँ पर आके बस गया। और माननीय अखिलेश यादव का जो विजन, जो विजनरी मैंने रूप देखा, तो मैं उनके साथ जुड़ गया। मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश और ख़ासकर लखनऊ के लिए ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सिर्फ कागज़ों पे हैं, जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। आप छोटी सी बात समझिए कि सिक्योरिटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, महिला सुरक्षा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास वार्ड है, हमारे पास मोहल्ले हैं, हमारे पास वार्ड अध्यक्ष है, हमारे पास सेक्टर वार्डन्स होते हैं। हम हर वार्ड को कहीं ना कहीं एक बाउंड्री करके वहाँ पर एक CCTV कैमरे लगवा दें जिसका खर्चा वहाँ के वार्ड के लोग खुद उठा सकते हैं। एक छोटा सा काम है, भय व्याप्त होगा, ऐसे अपराधी रात में कुछ गड़बड़ी नहीं करेंगे और सुरक्षा का एक भाव आएगा। ये एक छोटी सी मिसाल है, ऐसे हजारों तरीके के काम हैं, चाहे खुले हुए सीवर की बात कर लें, चाहे आप मच्छरों के जनित जो बीमारियां हैं, संचारी रोग, उनको रोकने की काम कर लें। देखिए, हमारे पास असीम संभावनाएँ हैं और असीम आइडियाज़ हैं, लेकिन अगर जनता हम लोगों को एक बार मौका देगी तभी हम उसको फलीभूत कर पाएंगे। इस तरह से बात करके बता पाना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन है। और लखनऊ को स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्टेस्ट सिटी बनाने का हम लोग हौसला रखते हैं। आशुतोष जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी ये काम हो सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2022 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। अब आप कह रहे हैं कि जनता अगर मौका दे, तो आखिर वो कौन सी कमी रह गई है जो आप लोग बार बार जनता से मौका मांग रहे हैं, चाहे वो 2017 का चुनाव हो, चाहे 2022 का चुनाव हो, चाहे आजमगढ़ में चुनाव हुआ और अभी आगे जो उपचुनाव होने वाले हैं? देखिए, लखनऊ के मामले में, खासकर मैं लखनऊ के बारे में बात करूं, तो लखनऊ राजधानी के लोग ये कभी नहीं कर सकते कि समाजवादी पार्टी ने उनके लिए नहीं किया। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो सबसे ज़्यादा काम किया वो लखनऊ के लिए किया। हम लोग जहां पे खड़े हैं वो रिवर फ्रंट का हाल, अपने कैमरामैन से कहिए एक बार देखें किस खूबसूरती से इस लखनऊ की गोमती नदी को संवारा गया था। आपको पता है विश्व में बहुत कम ऐसे शहर हैं जिनके बीच से होते नदियाँ गुजरती हैं। वो विजनरी आदमी अखिलेश यादव जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर है, उन्होंने सोचा इस नदी को कैसे संजोया जाए और कैसे लखनऊ के जो गरीब जनता है, जो उनका छोटा सा परिवार है, वो शाम को या सुबह टहल सकते हैं। लेकिन क्या स्थिति बना दी है? आप कह रहे हैं घोटाला है, मैं कहता हूँ घोटाला होगा, आपकी नज़र में घोटाला होगा, लेकिन वहाँ पर टैक्स पेयर्स का पैसा लगा है, उसको आप खूबसूरत बना सकते थे, आप उसको रखरखाव कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। उसके बाद आप कहाँ पर आए? JPNIC पर आइए, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर हैं। वो बनता तो लखनऊ के बच्चे, लखनऊ के लोग अपने इतिहास को जानते, ऑडिटोरियम देखते, एम्फीथिएटर देखते, लेकिन आपने नहीं किया, आपने बंद कर दिया वहाँ कूड़े की तरह से। जनेश्वर मिश्र पार्क देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पार्क, और गर्व होता है हमको कि हम लखनऊ वालों ने जनेश्वर मिश्र पार्क अखिलेश यादव ने दिया और नेताजी ने लोहिया पार्क दिया। अब देखिए सोच कहाँ पर है, साइकिल ट्रैक दिया कि साइकिल वाले कहीं चोट न लग जाए, साइकिल वो विजनरी था। मेट्रो दी जो लखनऊ में, जहाँ मेट्रो माननीय अखिलेश यादव छोड़ गए थे, एक स्टेशन आज तक नहीं बना के पाए। तो लखनऊ वालों के लिए तो अखिलेश यादव ने दिल खोल के दिया है, तो ये कभी नहीं बोल सकते हैं। यहीं डायल 100 दिया जिसका नाम माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बदल दिया, और यहीं पर 1090 का वुमेन फ्रंट लाइन दिया। आज पूरा लखनऊ आता है 1090 चौराहे पर खड़े होकर अपनी सेल्फी लेता है, ये किसने दिया? हम सब जानते हैं वो सोच समाजवादी पार्टी की थी, वो सोच माननीय अखिलेश यादव की थी, और उसी सोच से मैं प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ा हूँ। आप लाख गाली दे दें लेकिन असलियत लखनऊ के लोग जानते हैं कि कौन है जिसने हमारे लिए काम किया है। जब इतना सब कुछ दे दिया, असलियत लखनऊ वाले जानते हैं, फिर भी जो चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ था वो ज़रूर बढ़ा लेकिन सरकार नहीं बन पाई। अब नगर निकाय चुनाव है जिसको सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है,
क्या संभावनाएं लगती हैं आपको इस नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि दमखम तमाम राजनीतिक दल बढ़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि मुकाबला फिर से भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी देखने को मिलेगा। देखिए, मैं लखनऊ वालों की जनता को इस 30 लाख वोटरों को मैं बहुत नमन करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से 17 के बाद से हमने तैयारी करी, 22 में हमारे पास एक भी विधायक नहीं था लखनऊ नगर निगम के अंदर, हमारे पास आज 2 विधायक हैं, लखनऊ पश्चिम और लखनऊ मध्य में हमारे विधायक हैं। बाकी जो 3 विधायक हैं, उन जो विधायक प्रत्याशी हैं, बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। हम जानते हैं कि चीज़ें एक दिन नहीं बदलती, सतत प्रयास करना पड़ता है। तो ये तो मैं जानता हूँ कि लखनऊ वालों का आशीर्वाद हमको मिलने लगा है, लखनऊ वाले समझने लगे हैं, और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि 2022 में होने वाला जो निकाय चुनाव है उसमें ये 30 साल की प्रथा तोड़ी जाएगी, और एक बार भारतीय जनता पार्टी वाले को समझाया जाएगा कि आपकी जो अकड़ और घमंड है, जिसकी वजह से नगर निगम की ये हालात हैं, जो कहीं से कुछ होना था, अब आपको समाजवादी पार्टी दिखलाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है, उन लोगों ने एक बार आशीर्वाद दिया, आगे भी आशीर्वाद देंगे। आशुतोष जी, एक आखिरी सवाल है मेरा। स्मार्ट सिटी परियोजना लखनऊ में लाई गई है, तमाम चीज़ों पर काम किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है उसमें लखनऊ की स्वच्छता रैंकिंग जो है वो संवर कर आगे बढ़ी है और आगे बढ़ाई भी जाएगी अगर आगे भी मौका मिलता है। अब मैं आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ कि क्या आपकी रणनीति रहेगी और कैसे आप लखनऊ वासियों को और लखनऊ को स्मार्ट बनाने का प्रयास करेंगे, और समाजवादी पार्टी किस तरीके की टारगेट लेके आएगी, क्या कुछ रणनीति बनाई गई, कैसे लखनऊ वासी या मैं पूरे उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करूँ तो कैसे स्मार्ट बनाया जाएगा? देखिए, स्मार्ट सिटी, मैं फिर आपसे बोलता हूँ, स्मार्ट सिटी कागजों पर और आंकड़ों की बात नहीं है। आज का युवा आंकड़ों को नहीं, आँखों को देखता है, और अपनी आंखों से देखना चाहता है कि स्मार्ट सिटी होता क्या है, उसको फील करना चाहिए किस तरीके से लखनऊ के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है। आप लखनऊ में कहीं भी चले जाइए, आप चिकित्सक हों, आप शिक्षक हों, आप छात्र हों, आप व्यवसायी हों, लेकिन लखनऊ के ट्रैफिक में चलते हुए आप रो देंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरी तरीके से फेल है। मुझे लगता है उसके अलावा स्वास्थ्य की हालात ये है कि आप किसी से भी दिल पर हाथ रख लीजिए कि पिछले 3 महीने में क्या तुम्हारे वहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी हालत ख़राब नहीं हुई है? वो कहेगा हाँ, ख़राब रही है, और 99% वो संचारी रोग की वजह से हुई है। कोविड में क्या हुआ हम सब लोग ने देखा। शिक्षा में आप देख लीजिए, आज कोविड ख़त्म होने के बाद अभिभावक संघों ने बहुत बड़ा यहाँ पर जुलूस निकाला कि कोविड की भी हमसे फीस ली गई बच्चों के स्कूल की। क्या किया सरकार ने? सरकार ने उनके ऊपर एक हल्की सी सांत्वना भी नहीं की कि हम उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा जो माया, वो एक बड़ी सिंडिकेट चल रहा है स्कूल एसोसिएशन का, वो लगातार फीस बढ़ा रही है। एक आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। तो शिक्षा के हालात क्या हैं, और सुरक्षा की आए दिन आप किसी भी बड़े अखबार का पन्ना खोल लीजिए, आपको हमारी महिलाएं, हमारी बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मुझे शर्म आती कभी कभी इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, और लखनऊ प्रशासन कह रहा है कि हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर इस तरीके से प्रशासन आपको चलाना है तो सिर्फ आप 5 साल में चुनाव जीतने के लिए आप आइए, फिर एक धार्मिक उन्माद बनाइए और लोगों के इमोशन से खेल के आप वोट लेते हैं, लेकिन धरातल पे आपको क्या दिख रहा है? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी धरातल पे काम करती है, लोगों से बात करती है। हो सकता है कहीं किसी से कुछ गलती हुई होगी, मैं नहीं कहता कोई अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उसको सुधार का मौका जनता ही देती है, और जनता ने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है। 2022 के इलेक्शन में हमने 2 विधायक जिताए 5 में से, और आगे निकाय चुनाव में हम लोग अपने पार्षद, अपने मेयर भी बनाएंगे। बिल्कुल, तो जनता ने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है, ये कहना है डॉक्टर आशुतोष वर्मा का। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो विजन क्लियर है, चाहे लखनऊ की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, चीज़ों को बेहतर किया जाएगा, प्रदेश को स्मार्ट बनाया जाएगा, लखनऊ वासियों को स्मार्ट बनाया जाएगा, प्रदेश वासियों को स्मार्ट बनाया जाएगा। और अगर बात की जाए स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों पर ही नहीं, बल्कि जब आप सड़कों पर निकलेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर स्मार्ट सिटी किस तरीके की होती है, और इसी विजन के साथ समाजवादी पार्टी लगातार कार्य भी करेगी। बहरहाल, देखने वाली बात यह होगी कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या प्रदर्शन रहता है। जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।